पहले शदीद गर्मी फिर बरसात, कराची वालों तैयार रहो। महकमा मौसमियात की मौसम मजीद गर्म होने की पेशगोई। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज के मुताबिक 14 से 16 सितंबर कराची में पारा 40 डिग्री को छू सकता है। 17 सितंबर की शाम से कराची में नया मॉनसून सिस्टम आने का इम्कान है। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 78 मरीज दम तोड़ गए। मजमुई अमवात 26,865 हो गई। 2,580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रही। सिंध हुकूमत का मार्केट्स के औकात पर यू टर्न। पहले रात 10 बजे तक दुकानें खुली रखने की हामी भरी, फिर 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए हुक्मनामे पर कराची पुलिस की भी फुर्तियां। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 बजे दुकानें बंद करवा दी। इम्तिहान दिया है तो फिक्र ना करें, फेल हो गए तो हुकूमत पास कर देगी। कोरोना निकम्मों के काम आ गया। बैने सुबाई वुज़राए तालीम की बैठक में 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए बड़ा फैसला। फेल होने वाले तलबा को रियायती नंबर्स देकर अगली क्लासेस में भेजा जाएगा। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए वीजे की राह हमवार हो गई। जल्द अमरीका रवानगी मुतवक्के। अहलिया जरीन गजल की समा से खुसूसी गुफ्तगू। बताया कि उमर शरीफ की सेहत काफी बेहतर है, याददाश्त खोने की खबरें दुरुस्त नहीं। आज वीजे मिल जाएंगे, एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम हो गया। और हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तैयारी कर ली। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी विफाकी काबीना को भिजवा दी। चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। विफाकी काबीना आज फैसला करेगी।